इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। पैंसठ लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी से जंग जीती जाती तो कल शाम ये यहूदी और अमेरिका के पालतू कुत्ते मुसलमानों के आगे घुटने टेक के सुलह के लिए हाथ ना बढ़ाते। जंग टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाती, जंग अल्लाह के भरोसे से जीती जाती है। कल माफी मांग के जान नहीं छुड़वाई कि किसी तरह जंग बंदी का ऐलान करो, क्यों? तुम तो कहते थे कि हम जैसा कोई है नहीं दुनिया में। बैतुल मुकद्दस के यहूदियों ने कहा कि अगर उमर आ जाएं, तुम्हारे खलीफा आ जाएं, तो हम ये बैतुल मुकद्दस उनको ऐसे ही दे देंगे। अबू बैद बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने चिट्ठी लिखी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, मुसलमानों का खलीफा है, मुसलमानों का बादशाह है, 65 लाख मुरब्बा मील पर उसकी हुक्मरानी है, दर्जनों मुल्कों के ऊपर उसके गवर्नर जो हैं लोगों को इंसाफ देते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी की चटाई के ऊपर आराम करते हैं। जब आके एलची ने कहा कि आपको बुलाया, फौरन तैयार हो गए और अपने गुलाम को कहा, आज तो अगर किसी छोटे से पावर वाले बंदे ने आना हो ना तो 5 गाड़ियां आगे, 5 पावर वाले तो छोड़ दो, किसी पीर ने आना हो ना, बाबे ने, तब भी इतना तामझाम तैयार हो जाता कि बाबा जी आ रहे हैं। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब मदीने से निकले, एक सवारी ऊंटनी बस, एक गुलाम साथ में, और गुलाम के साथ मामला तय किया। फरमाया कि हम लोग बैतुल मुकद्दस तक जाएंगे, कई 100 मील का रास्ता है, कई हफ्ते लग जाएंगे दरमियान में, लेकिन मेरी बात सुन ले, सवारी क्योंकि एक है, एक मंजिल मैं सवार रहूंगा, तू पैदल चलेगा, एक मंजिल तुम सवार रहना, मैं पैदल चलूंगा ताकि ना तुम थको, ना मैं थकूं, और ना ये सवारी थके। मौरखीन ने लिखा है, जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे, मुसलमानों की 5 बड़ी अफवाज ने, जो उस वक्त बैतुल मुकद्दस के आसपास मुल्कों को फतेह कर रही थी, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस दिन अर्ज़े फलस्तीन में दाखिल हुए हैं, मुसलमानों के बड़े जर्नैलों में, जिनमें अबू बैदा बिन जर्राह हैं, सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में है, सैयदना साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में है, मसना बिन हारिस जैसे बड़े बड़े उलुल आज़म मुजाहिदीन साथ में, उन्होंने अपने खलीफा को सलामी दी है फलस्तीन की सरजमीन पर। और सलामी देने के बाद, दावत के बाद, एक बहुत खूबसूरत घोड़ा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश किया। फरमाया, हजरत अब आगे आप इस घोड़े पर बैठ के जाएंगे, क्योंकि आगे दुश्मन करीब है और वो इंतजार में है कि मुसलमानों का खलीफा आ रहा है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप ये जो पेबंद लगे हुए कपड़े हैं, अब इनको ना पहने, बेहतरीन लिबास सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहनाया। फरमाया, हजरत अब चलें ताकि दुश्मन को पता हो कि मुसलमानों का खलीफा आ रहा है। सब तारीख दानों ने लिखा है, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस लिबास के साथ जब घोड़े पर बैठे, चंद कदम चले तो कूद के घोड़े से उतरे। फरमाया खालिद बिन वलीद, ए अबू बैदा बिन जर्रा, खुदा की कसम उमर हलाक हो जाएगा अगर हमने अपनी असलियत छोड़ दी, अगर हम अपनी औकात से बाहर आ गए। फौरन उन रेशमी कपड़ों को उतारा, वही पेबंद लगे हुए लिबास पहने, और फिर जब वहां से चलने लगे तो पता लगा कि गुलाम की बारी ऊंटनी पर बैठने की है, अमीरुल मोमिनीन की बारी ऊंटनी को पकड़ के चलने की है। जब बैतुल मुकद्दस के किले के सामने पहुंचे तो किले के ऊपर दुश्मन खड़ा हुआ देख रहा है,
और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ये जो फौजों के आगे जर्नैल चला हुआ आ रहा है, ऊंटनी पर बैठा हुआ है, ये तो अपने खद्दो खाल के जरिए, अपने कपड़ों के जरिए, अपने चेहरे की तमानियत के जरिए लगता नहीं है कि ये मुसलमानों का बादशाह होगा, लगता नहीं है कि ये अमीरुल मोमिनीन होंगे। ये देखो इसका चेहरा, इसके लिबास, इसका तौर तरीका कोई बादशाहों वाला नहीं है। तो किसी ने कहा कि ये मुल्क के शाम के पादरियों, ये फलस्तीन के बड़े बड़े यहूदियों ऊंटनी पर बैठे हुए को ना देखो, वो गुलाम है, उसको देखो जिसने ऊंटनी की मुहार पकड़ी है, वो मुसलमानों का बादशाह है, वो मुसलमानों का खलीफा है। उमर फारूक के चेहरे पर जब नजर डाली दुश्मन के मौलवियों ने, उन्होंने एक लफ्ज कहा था कि हम इससे लड़ नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकती है। आज सोचते हैं कि अर्ज़े फलस्तीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे यहूदी, याद नहीं है कि अलकुदस के बेटे सलाउद्दीन अयूबी ने दोबारा अपनी जिंदगी में करके दिखाया। इंग्लिस्तान का बादशाह, उस वक्त इंग्लिस्तान वाले ज्यादा बड़े गुंडे थे, आज अमेरिका वाले गुंडे बने हुए हैं। उठाओ तो फ्रांस की तारीख, ये फ्रांस वाले बार बार क्यों मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं? फ्रांस ने 5 दफा बैतुल मुकद्दस पे हमला किया, फ्रांस का बादशाह 5 दफा 10-10 लाख फौजी लेकर बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के लिए बढ़ा। उठाओ तारीख, 5 दफा इनको जमीन दोस्त किया गया, 5 दफा इनको नाकाम लौटाया गया, 5 दफा इनको मिट्टी में मिलाकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने वापिस भेजा। इसलिए आज फ्रांस वालों को तकलीफ होती है, वो बार बार हमारे खिलाफ बोलते हैं। सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक बाजार से गुजरे, एक बंदा मेंबर बना रहा था, लकड़ी का बड़ा खूबसूरत बना के दुकान में रखा हुआ था, पढ़ते थे उस दौर में। पूछा, भाई ये मेंबर बहुत अच्छा है, अब जैसे हम लोग कहीं बाहर जाएं, आप जाएं, कोई अच्छी चीज़ मस्जिद के लिए मिले तो हम लोग सोचते हैं भी खरीद के ले जाएं अपनी मस्जिद में लगाएंगे। मेंबर बहुत अच्छा है, कितने का देते हो? कहने लगा ये बिकने के लिए नहीं है। किस लिए बनाया? कहता है ये मैंने उस बंदे के लिए बनाया है जो आज अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, अलग अलग मौलवियों को आप भी पूछते होंगे, फलस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में यहूदी बम मार रहे हैं, फलस्तीन में यहूदी मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहे हैं, हम क्या करें? तो मौलवी कहते हैं दुआ करो। मेरे परदादा रईसुल एरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, और जब मुल्क आज़ाद हो गया तो पाकिस्तान नहीं गए। देवबंद जब जाया करते थे, मस्जिद जो दारुलूम देवबंद की मस्जिद है अंदर, अक्सर वहाँ उनकी तकरीर हुआ करती थी, तमाम हजरात बैठ जाया करते थे, बार बार मौलवियों को कहते थे कि मौलवियों ध्यान से सुन लो, पल्ले बांध लो मेरी बात, बुजदली का दूसरा नाम मसलहत पसंदी है, अगर तुम मसलहत की तरफ चल चुके तो फिर तुम्हारे हाथ से इज्जत और नामूस सब कुछ निकल जाएगा। बैतुल मुकद्दस या बैतुल्ला या मस्जिद नबी, क्या बैतुल्ला को हाथ लगाना बहुत बड़ी बात है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ करते हुए बैतुल्लाह को कहा कि बैतुल्लाह मैं तेरी अजमत का कायल हूं, तो अल्लाह का घर है रूह जमीन पर सबसे पहला, मैं मानता हूं कि तेरी अगर ये जो पत्थर के टुकड़े अगर इनको बेचा जाए तो कीमत अदा नहीं हो सकती, लेकिन ये बैतुल्लाह सुन ले, एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान की आबरू, एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि अगर तुझे बेच भी दिया जाए तो किसी एक मुसलमान की इज्जत और आबरू की कीमत अदा नहीं हो सकती है। कई मुसलमानों के बादशाह है ना, अंदर जाते हैं बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने, अल्लाह माफ फरमाए, हमारे भी कई सरकारी मौलवी अंदर गए हैं बैतुल्लाह में नमाज पढ़ के आए,
तो बैतुल्ला के अंदर नमाज पढ़ने का मतलब क्या, अल्लाह तुमसे राजी हो गया? मस्जिद नबी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक की जालियों के अंदर जाके सलाम पेश करने से क्या इसका मतलब अल्लाह आपसे राजी हो गया? कितने ऐसे मुसलमान बादशाह हैं जो बैतुल्लाह के अंदर गए हैं, कितने ऐसे मुसलमान हुक्मरान हैं जो अब तक रोजे मुबारक की जालियों के अंदर जा चुके हैं लेकिन ना उनकी अब तक कोई दुआ कबूल हुई, ना कोई उनका आजम मुकम्मल हुआ। और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को देखो, सारी जिंदगी मुल्क के मिस्र से लेके फलस्तीन तक लड़ते हुए गुजार दी और वहां से बैतुल्लाह का फासला 1500 किलोमीटर है लेकिन सारी जिंदगी वक्त नहीं मिला बैतुल्लाह तक जाने का, सारी जिंदगी वक्त नहीं मदीना मुनव्वरा में हाजिरी करने का, लेकिन अल्लाह ने किबला अव्वल की आजादी सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ लिखी थी, उसको अता की गई है दौलत। तो क्या सिर्फ दुआ से मसला हल हो जाता है जी? दुआ से हो जाता है सब कुछ? अगर सिर्फ दुआ से हो जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों निकलते? मैं मानता हूं दुआ करनी चाहिए, मैं मानता हूं नमाज अदा करनी चाहिए, मैं इस बात का कायल हूं कि कुरान पाक के मुताबिक अमल करने चाहिए, लेकिन जब तक अमल होगा तो असर होगा ना, अगर अमल ही नहीं होगा तो मेरा असर कैसे होगा जी? अमल होगा तो असर होगा। अक्सर पूछ लो जिस किसी मौलवी से, बस क्या करें जी, दुआ कीजिए दुआ कीजिए, तो आप कमरा बंद करके दुआ कीजिए ना कि अल्लाह मुझे रोटी मिल जाए, कहीं जाए ना कारोबार करने के लिए, आप सफर ना किया करें, बस दुआ करें अल्लाह मुझे दिल्ली पहुंचा दे, मैं इंग्लैंड जाके सेट हो जाऊं, मैं अमेरिका पहुंच जाऊं, दुआ करते रहो, कहीं जाना नहीं, पासपोर्ट नहीं बनवाने की जरूरत। दुआओं के साथ अमल की जरूरत। अक्सर हिंदुस्तान के मुसलमान पूछते हैं, फलस्तीन के मुसलमान परेशान हाल हैं, ये इनका जज्बा है कि ये पूछते हैं। एक बात याद रखना, आज रूए ज़मीन पर सिर्फ मुसलमान वो हैं जिनके साथ, जिनके अजायम के साथ अल्लाह की मदद है और ये कभी शिकस्त नहीं खाते। अगर कहीं ये देखो कि मुसलमानों को शिकस्त हुई है तो दो लोग उसके ज़िम्मेदार होंगे, एक मुसलमानों का लीडर, दूसरा मुसलमानों का मौलवी, तीसरा नहीं। लोग पूछते हैं फलस्तीन में ये कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ दिल्ली में डड्डू ड्रामा कर रहे हैं कई मौलवी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कई लोगों का फ़ोन आता है जुलूस निकालें। अबू जहल ने इस्लाम के खिलाफ इतनी मर्तबा जहर अफशानी की तो क्या उसके खिलाफ जुलूस निकाल के मसला हल हो जाएगा? मसला ये है कि हम क्या करें, आप जहां पर हैं वहां रहकर क्या कर सकते हैं? पहला काम तो ये कि आप दुआ कर सकते हैं, मान लिया जी दुआ कर सकते हैं, दुआ करनी भी चाहिए। दूसरा, क्या आपको नहीं पता जो मजलूम हो कुरान ने कहा है कि उनकी मदद करो, रसूलुल्लाह ने कहा है उनकी मदद करो, और आज 2021 में पूछते हो क्या करें? क्या तुम्हें नहीं पता कि फलस्तीन के जो मुसलमान हैं वो माशी तौर पर कमज़ोर हैं, इक्तसादी तौर पर कमज़ोर हैं? क्या तुम्हें इस बात की खबर नहीं है हिंदुस्तान के मौलवियों के पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मुसलमानों ने NGO बना के बेशुमार काफ़िले फलस्तीन भेजे, जो दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं, जो कपड़े लेकर जा रहे हैं, जो साजो सामान लेकर जा रहे हैं, इसलिए कि उन जख्मियों की मदद हो सके जो परेशान हाल हैं, जो गिरी हुई इमारतों को बनाने के लिए जा रहे हैं? क्या तुमने सिर्फ दुआ ही करनी है, कुछ नहीं करना है? क्या हमारे मुल्क में फलस्तीन की एम्बेसी नहीं है, उनका अथॉरिटी का एम्बेसडर नहीं रहता कि जिसके पास जाके तुम बोलो कि ये इतने लाख रुपए का चेक है तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारे साथ यहूदी लड़ रहे हैं तो हम पूरी दुनिया के मुसलमान तुम्हारे साथ खड़े हैं? क्या ये मुमकिन नहीं है कि तुम ये कहो कि जिस दिन हम मक्के जाएंगे मदीने जाएंगे तो हमारा ट्रिप एडवाइजर हमें तीसरी जगह बैतुल मुकद्दस लेके जाएगा,
क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों का पता नहीं कि किबला अव्वल हमारा वो मरकज है जहां 17 महीने जिसकी तरफ मुंह करके रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी है। ये वो बैतुल मुकद्दस है जहां रसूलुल्लाह ने अंबिया की इमामत की है। ये वो बैतुल मुकद्दस है जिसकी फतह के बाद सैयदना बिलाल ने सबसे पहले आजान दी है। ये वो बैतुल मुकद्दस है जिसके मेहराबों को सैयदना ज़िकरिया ने अपनी तिलावत से मुनव्वर किया है। क्या तुम्हें यह पता नहीं कि अगर मक्के जाना है, मदीने जाना है, तो तीसरा सफर बैतुल मुकद्दस का करना जरूरी है हमारे लिए? किसने रोका है? क्या पूरी दुनिया से लोग जाते नहीं है तो हम क्यों नहीं जाते? बार बार पूछते हो क्या करना है, जाओ उन लोगों की मदद करो जाके, 500-500 रुपए मुसाफे में देके पले पलाए मुल्लाओं की दुआएं लेने से बेहतर है कि उन जख्मियों के लिए मरम पट्टी का इंतजाम करो जो बार बार पुकारते कि राउल आलमीन तेरे वो मुसलमान बंदे कहां है और कब तेरी मदद हमारी तरफ आएगी, को जो तुम्हारा हज का वीजा लगाते हैं कि हम हज उस दिन करने जाएंगे जिस दिन हमारी एक फ्लाइट बैतुल मुकद्दस में उतरेगी साथ में। बताओ इन वीजा लगाने वालों को कि हमने पूरी दुनिया के मुसलमानों ने हज बैतुल्ला करने के बाद जाके नमाज मस्जिद अक्सा में अदा करनी है, हमने उस मुसल्ले के पीछे जाके सजदा करना है जहां रसूलुल्लाह ने सजदा किया है, हम उस मस्जिद में जाके अजाने सुनेंगे जहां बिलाल ने अजाने दी हैं, हम उस मस्जिद के सेन में खड़े होंगे जहां उमर फारूक ने अदल इंसाफ का परचम बुलंद किया। इनको बताओ जाकर दुनिया के हुक्मरानों को। मैं मानता हूं कि हम लड़ने नहीं जा सकते, हम कोई फौजी मदद नहीं कर सकते, तो दो काम तो कर सकते हैं कि नहीं? उनकी इक्तसादी मदद तो कर सकते हैं, फाइनेंशियली मदद तो कर सकते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था यूके की और दुबई की कितनी मुसलमानों की एनजीओज हैं जो बेशुमार दवाइयां और खाने पीने का सामान लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ गई हुई हैं। टर्की के कितने मुसलमान हैं जो वहाँ गए हुए हैं। बार बार हमारे मुल्ला शोर मचाते हैं कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। अरे रहते हो तो कम से कम उन मुसलमानों की भी तो खबरगिरी करो जो तुम्हारे तरफ मुतवज्जो हों। दिल्ली के मुल्लाओं, 5-स्टार होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तुम्हारी गर्दन से ये गुनाह उतरेगा नहीं। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा अखबार को बेचकर बरी नहीं हो सकते हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया ईमान वाला वो है, फरमाया जो आप अगर बुराई को देखे तो उसको अपने हाथ से रोके, फरमाया दूसरा दर्जा वो है बुराई को देखे तो अपनी जुबान से रोके, फरमाया तीसरा दर्जा वो है कि अगर बुराई को देखे तो अपने दिल में कम से कम बुरा माने। तो हम तो इन तीनों दर्जों में से किसी में भी नहीं है, तीनों में से किसी में भी नहीं आ रहे। आपने क्या सोचा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करके निजात हो जाएगी? और कईयों को तो माशाल्लाह फेसबुक और व्हाट्सएप भी चलाना नहीं आता, इस्लाम के खिलाफ जो बात आई वो भी सबको भेज रहे हैं, इस्लाम के हक में जो आई वो भी भेज रहे हैं। सहाबा इकराम का असूल था, रसूलुल्लाह के खिलाफ जो बात आती थी उसको डिलीट कर देते थे। पता है तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम जो व्हाट्सएप चलाते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बात आती थी उसको डिलीट करते थे, उसकी रिपोर्ट करते थे। मतलब अगर किसी गैर मुस्लिम ने नऊज़ुबिल्लाह गंदी बात, बुरी बात रसूलुल्लाह के खिलाफ कही तो जाके शोर मचा के 20 को इकट्ठा होकर नहीं कहा कि ऐसा कह रहा है, नहीं, उसको ख़त्म कर दिया, बात का मौजू ही ख़त्म कर दिया, उस गुफ्तगू का वहीं पर एंड। और ये जितने डंगर हैं जो नया नया मोबाइल खरीद लेते हैं, जितनी इस्लाम के खिलाफ बातें होंगी अपने ही दोस्तों को भेजेंगे कि और लोगों को बताओ कि नऊज़ बिल्लाह फ़लाँ ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की है, सबको शेयर करो। अरे बदबख्तो, अपने जिम्मे ही गुनाह ले रहे हो। हर चीज़ को चलाने का कोई तरीका होता है, तमीज़ होती है, तहजीब और तमद्दुन होता है, सब भूल गए। फ़लस्तीन के खिलाफ यहूदी और पूरा अमेरिका क्यों लगा हुआ है? क्योंकि फ़लस्तीन में टिकटॉक के स्टार पैदा नहीं होते,
फलस्तीन में सारा दिन मोबाइल पर चला बैठकर गेमें खेलने वाले लोग पैदा नहीं होते। फलस्तीन में रंग बिरंगे अपने बाल करके सारा दिन आवारा गर्दी करने वाले नौजवान पैदा नहीं होते। फलस्तीन में रूए जमीन के आज भी अव्वल दर्जे के मुसलमान पैदा होते हैं, जो आला तालीम हासिल करते हैं, जिनका किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है, जहां शहीद होना लोग अपने लिए फख्र की बात समझते हैं, जिनकी जुबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर लेकर नहीं थकती, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबला अव्वल को अपनी जबीनों के साथ सजाते हैं, शहादत दे देते हैं, इसलिए पूरी दुनिया का यहूदी उनके खिलाफ लगा हुआ है। 21,000 लड़कियों ने हिफ्ज़ किया इस रमज़ान में फलस्तीन में, हमारे पास कुरान पढ़ने को टाइम नहीं मिला। दुआ मांगने को बेजारी है। दुनिया आज अमेरिका और यहूदी क्यों परेशान है, आप पढ़िए बीबीसी की परसों रिपोर्ट आई है कि इनको कौन सामान दे रहा है। पता लगा कि फलस्तीनियों को सामान कोई नहीं दे रहा, सारा कुछ खुद ही बना रहे हैं। तो वक्त भी हो गया है, तो मेरी अर्ज ये है कि जो लोग चाहते हैं कि फ़लस्तीन के लिए क्या करें, पता कीजिए कि फ़लस्तीन की अथॉरिटी के कौन से अफसरान नई दिल्ली के अंदर कौंसल खाने के अंदर हैं, कौन सी बड़ी एनजीओस हमारे सूबे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, या इस पूरे बर्रे अजीम के अंदर कौन सी ऐसी एनजीओस हैं जो ईमानदारी से उनकी मदद कर रही हैं। उनको बोलें कि हम अपना 1 रुपया आपको देना चाहते हैं, उनको दें। और जो लोग हज पे जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है बैतुल मुकद्दस में जाने की, सुने इत्मीनान से बात मेरी, बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ने के लिए सारा साल कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमान शहदा ने अपनी कुर्बानियां दे के उसको सालिम रखा है, ये उसी को तो बंद करने जा रहे थे अभी रमजान से पहले कि दोबारा इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। बैतुल मुकद्दस में कोई पाबंदी नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जाने की। जो बंदा हज करने के लिए जा रहा है, औरत जा रही, मर्द जा रहे हैं, उनके साथ बच्चे जा रहे हैं, अगर वो अपना हज का वीज़ा लगवाते हैं, उमरे का वीज़ा लगवाते हैं, अपने ट्रिप एडवाइज़र को बोलिए कि हमने खाना काबा की ज़ियारत के बाद, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी के बाद तीसरी हाज़िरी मस्जिद अक्सा की लगानी है, हमने क़िबला अव्वल में नमाज अदा करके आनी है। जब रोजाना कई लाख मुसलमान पूरी दुनिया से बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर उतरने शुरू होंगे, हालात तब्दील हो जाएंगे। मस्जिद अक्सा इतनी बड़ी है कि एक वक्त में 5.5 लाख मुसल्ले, 5.5 लाख अफराद उस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। और फिर उसके साथ ही उसके दाईं तरफ मस्जिद बुराक, जहां से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक अर्श के लिए गया, वो भी वहीं पर मौजूद है। उसके अलावा मुतअद्दिद बड़ी बड़ी मुसलमानों की यादगारें जो हैं फलस्तीन के अंदर मौजूद हैं। तो दो काम पल्ले बांध लें आप, सिर्फ रोने के साथ कुछ नहीं हो सकता है, कली दुआएं करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर दुआ करनी है तो अल्लाह से कहें, अल्लाह मुझे तौफीक दें कि मैं अपनी नेक कमाई में से फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों का हिस्सा निकालूं, मुझे तौफीक दें कि मौला करीम जब मैं बैतुल्लाह का सफ़र करूंगा, जब मैं रसूलुल्लाह के रोज़े पर हाज़िरी दूंगा, तो बिना बैतुल मुकद्दस में हाज़िरी लगाए हुए वापस नहीं आऊँगा। अगर हम ये दो ही काम हिंदुस्तान के मुसलमान करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि क़िबला अव्वल की आज़ादी की ये जो जंग अल-कुदस के लोग लड़ रहे हैं, क़िबला अव्वल के लिए जो कुर्बानियाँ फ़लस्तीन की माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे नौजवान दे रहे हैं, तो कल क़यामत के दिन जब वो शहदा आगे चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के मुसलमान शर्मिंदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वा आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल।